हेलो बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? चलो आज हम देखेंगे कि नीचे दिए गए चित्र में देखिए और समझिए कि बच्चे इशारों में कैसे बातें करते हैं। आपको क्लियर दिख रहा है? देखिए यहाँ पे पढ़िए, सामान्य रूप से सभी लोग बोल और सुन सकते हैं, पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोल और सुन नहीं सकते। तो ऐसे लोग दूसरों को अपनी बातें कैसे समझाते हैं? तो इशारों में समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? इशारों में। और दूसरों की बातें वे अपने होठों के हलन चलन को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। हलन चलन कैसे होता है कि सामने वाले के होठ कैसे हिल रहे हैं, इस पे से वो अंदाज़ा लगाते हैं कि इन्होंने कौन से शब्द का इस्तेमाल किया होगा। तो हम सब विविध काम कर सकते हैं। हम में से कोई अच्छा गा सकता है, तो कोई अच्छी कविता लिख सकता है, कुछ बच्चे तेज़ी से पेड़ पर चढ़ जाते हैं, तो कुछ बच्चे बहुत तेज दौड़ते हैं, कोई अच्छे चित्र बनाता है, तो कोई सुर में गाता है। हम सब अपने अपनी तरह से खास है, तो कभी अपने आप को कमज़ोर मत समझना या कि हम कुछ काम के नहीं है ऐसे मत समझना। भगवान ने जो भी बनाया ना वो बहुत सुंदर है, आपको भी किसी भी ना किसी उद्देश्य के लिए ही बनाया होगा। तो हमें अपने मम्मी पापा की बात माननी है और उससे हम क्या होते हैं तो होशियार बनते जाते हैं। हमें तो पता नहीं होता है कि हमारा में कौन से टैलेंट है, तो एक तो हमारे मम्मी पापा और हमारे एक शिक्षक, उन्हीं को पता होता है कि हमारे में कौन से टैलेंट है। तो हमें उनमें क्या करना है कि अगर टीचर ने कहा है कि तू गाने में अच्छा है तो हमें गाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तू पढ़ाई में अच्छा है तो हमें पढ़ाई में भी और मेहनत करनी चाहिए, मतलब बाकी काम करने नहीं चाहिए ऐसे नहीं, पर गीत भी गाना है, पढ़ाई भी करनी है, मम्मी की बात भी सुननी है, यानी हमें सब कुछ करना है जो हमारी मम्मी और हमारे टीचर कहते हैं। ओके, क्योंकि मम्मी और टीचर तो कभी गलत सिखाएंगे ही नहीं। सिखाते हैं क्या? नहीं, तो हमें उनकी बात माननी है। तो कुछ बहुत तेज दौड़ते हैं। अब सबकी अपनी एक खासियत होती है, तो भगवान जी ने सबको विशेष बनाया है, मतलब आप जैसे दिख रहे हो वो भी आपके लिए एक सुंदरता ही है, और आप में जो टैलेंट है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवान जी ने आपको किसी न किसी उद्देश्य के लिए बनाया है। तो ऐसे कभी नहीं समझना चाहिए। कभी कभी टीचर गलती से बोल देते हैं, यहाँ तो जो कुछ नहीं आता है, तो वो बात ध्यान में नहीं लेनी है। अगर टीचर ने कहा है सवालों के जवाब याद नहीं किए इसलिए तुझे कुछ नहीं आता है, तो टीचर को बोलना नहीं टीचर मैं आपको कल ये याद करके बताऊंगा। और किसी टीचर ने कहा अरे तुझे गाना नहीं आता है, तो बोलना टीचर मैं 2 दिन प्रैक्टिस करूंगा और मैं आपको गाना सुनाऊंगा। तो उससे क्या होता है कि हमें सीखने की इच्छा मिलती है। और अगर हमारी मम्मी ने कहा कि तू ये नहीं कर सकता, तो मम्मी को बोलना है कि तू मुझे सिखा तो मैं करूँगा, है ना, मुझे नहीं आता है। अगर मम्मी ने बोला है कि मोबाइल रख दो तो वो रख देना है, मम्मी को सिखाना नहीं है, मम्मी से सीखना है। ओके बच्चों, तो चलो, कुछ तेज दौड़ते हैं और कुछ अच्छे चित्र बनाते हैं, तो कोई सुर में गाता है। हम सब अपनी अपनी तरह से खास है। पाठशाला में हम सभी को एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है। सबकी तरह जो बच्चे बोल नहीं सुन नहीं सकते वे भी स्कूल जाकर पढ़ते लिखते हैं। इन बच्चों को स्कूल में इशारों से बातें करने की भाषा सिखाई जाती है। आइए एक ऐसी बच्ची के बारे में पढ़े जो सुन नहीं सकती, वह बच्ची फिर भी काफ़ी कुछ कर पाती है। तो हम आगे वो वाला पार्ट करने वाले हैं, पर आपको क्या करना है कि उसे पहले समझना है। देखिए मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, आप भी पीछे पीछे पढ़ेंगे। छोटी बच्ची चक्कू सुन नहीं सकती, जन्म से ही बहरी है, उसका बड़ा भाई नंदू, नंदू और चक्कू साथ में खेलते हैं। चक्कू पियानो बजा सकती है, उसे तार के झनकार का अनुभव करना अच्छा लगता है, परंतु वह कभी गा नहीं सकेगी, वह सुरों को सुन नहीं सकेगी। उसे कूदना, उछलना, कलाबाजियाँ करना, बंदर की तरह शिखर पर चढ़ना अच्छा लगता है। अब मेरी बहन ने मेरे ही विद्यालय में आना शुरू कर दिया है, फिर भी हमारी माँ उसे घर पर होठ हिलाकर पढ़ने में मदद करती है। शिक्षक और बच्चे उसके हर शब्द समझ नहीं सकते, जैसे कि बहन अथवा पानी अथवा अंगूठा। देखिए तो कल मैंने काला चश्मा पहन रखा था, तो उसका फ्रेम काफी बड़ा था, तो और कांच खूब काली थी। जब उसकी कांच जो ग्लास था ना वो बहुत काला था, तो जब मैं बोल रहा था तब मेरी बहन ने मुझे चश्मा उतारने को कहा। उसे जानना था कि मेरी भूरी आंखें उसकी भूरी आंखों से क्या कहती हैं।
है ना। तो इसमें क्या है कि उसको यह आंखों के इशारों से और होठों के जो हमारे होठ हिलते हैं उसके ऊपर से उसे समझना था कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं। तो मेरी एक बहन है और मेरी बहन सुन नहीं सकती, कविता में कुछ अंश का हिंदी में भावानुवाद है। तो ये एक लघु कथा थी, क्या थी, एक लघु कथा थी, फिर भी इसको चर्चा हो सकती है क्या कि हम सब में अलग अलग तरह की क्षमताएं हैं, बच्चों के अनुभवों को शामिल करके इस विषय में संवेदनशीलता बढ़ाई जा सकती है। जैसे देखिए इसमें हमें क्या सीखने को मिला है कि भगवान ने एक इच्छा कम दी है, एक हमें एक शक्ति कम दी है, जैसे सुनने की शक्ति हमें कम दी है तो हम ज़्यादा बोल सकते हैं, अगर बोलने की शक्ति नहीं दी है तो हम अच्छे से देख सकते हैं, हमारी नज़र तेज होती है। तो भगवान ने कुछ कम दिया है तो एक चीज़ बढ़ा के दिए हैं, तो अपने आप को कभी कमज़ोर मत महसूस करना। अगर हमें एक आँख नहीं दी है तो भगवान का उसमें भी शुक्रिया करना कि मुझे एक आँख तो दी है, और हमेशा खुश रहना और हमेशा भगवान जी से प्रार्थना करना कि जो है वो बहुत अच्छा है भगवान जी, और उसके लिए भी आपका धन्यवाद, है ना, क्योंकि भगवान जी ने तो सबको अच्छा ही दिया है, मम्मी पापा दिए हैं अच्छे, मित्र दिए हैं, बहन भाई दिए हैं और शिक्षक दिए हैं, अच्छा शरीर दिया है, तो सब अच्छा ही है ना। अगर हम सोच अच्छी रखेंगे तो सब कुछ अच्छा है। ओके बच्चों, तो यहाँ तक हमारा पाठ कंप्लीट हुआ। अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। बाय बच्चों।